से 10:30 बजे के पहले मतदान की और लाभार्थी संपर्क की योजना को हम नीचे तक पहुंचाएंगे, मगर हमारा काम है कि ये काम को गति देना। और मैं मानता हूं कि इसमें हम सब यहां से जाने के बाद अपनी संगठन की पूरी टीम को इसके अंदर झोंक देंगे। मित्रों, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 से पार्टी के विस्तार की यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चली, न केवल संगठन का विस्तार हुआ, उसको जन समर्थन मिला, चुनाव में सफलता मिली, सरकारें बनी, अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गया है, अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गया है। और जो क्षेत्र नए आए हैं वहां स्थायित्व देने की जरूरत है, इसलिए हमें 2019 का चुनाव जीतना है। और 2019 का चुनाव अगर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हैं, मित्रों मैं आपको सोच समझकर कहना चाहता हूं, 19 के बाद एक लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में एक लंबे समय तक हम देख पाएंगे। 19 का चुनाव देश के विकास, देश की सुरक्षा, देश के गौरव का चुनाव है, इसलिए भाजपा और भारत दोनों के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। हमने इस चुनाव में विजय प्राप्त करनी ही है। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर लोक संपर्क और लोक संग्रह, ये दोनों चीजों का किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्व है। ये सारे कार्यक्रम हमने ये दोनों मंत्र को समाहित कर बनाए हैं। और 1950 से जो एक राजनीतिक विचारधारा लेकर हम निकले हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, अंत्योदय की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर निकले हैं, उसके एक लंबे समय तक विस्तृत करने के लिए और लंबे समय तक लोगों के बीच में इसको यश दिलाने के लिए चुनाव है। और जो हमारा लक्ष्य है, दुनिया में सबसे ज्यादा गौरवशाली और समृद्ध देश बनाने का, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी मोदी जी के नेतृत्व में 19 का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और गठबंधन, सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे, जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे, मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। हमें मोदी जी के साथ चट्टान की तरह देश भर में छोटी छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का निर्णय किया है। दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई जनजाति की छोटी सी पार्टी आज हमारे साथ मोदी जी को देखकर आशा के साथ जुड़ी है। हमने इस सब को एकत्रित किया है और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के अंदर, यज्ञ के अंदर अपनी संविदा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं मित्रों, कि आप सब यहां से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और कोई काम नहीं है, एक ही मंत्र है, 2019 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। ये मंत्र लेकर हम सब जाए और देश भर में जो योजना बनी है इसको नीचे तक पहुंचाए। इतनी ही बात कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, आज पार्टी की ओर से श्रद्धेय अटल जी की स्मृति स्थान पर जाने के लिए भी व्यवस्था करी है और पार्टी के मुख्यालय के देखने के लिए भी व्यवस्था करी है। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते पार्टी मुख्यालय में हृदय से स्वागत करता हूं। मुख्यालय को जरूर देखकर जाइए और जरूर मुख्यालय के साथ एक सेल्फी लेकर आपके जिले में, आपके क्षेत्र में पहुंचाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। एकल गीत के लिए श्री तनिष्क आएंगे। हम सबको, हम सबके सर्वोच्च नेता
माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजय शंखनाद और विजय संकल्प का आह्वान मिलने वाला है। मैं आज इस दिन की एक महत्ता और है, आज माता जीजाबाई का राजमाता जीजाबाई की जयंती भी है। राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी जैसे पुत्र पैदा ही नहीं किए, बल्कि शिवाजी को गढ़ा और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हो सकी। ऐसे दिन हम माता जीजाबाई का स्मरण करें और उनको नमन करते हैं। श्री तनिष्क। हवा बह रही परिवर रतन की, आस बंधी फिर से जन जन की। हवा बह रही सुशासन की, आस बंधी फिर से जन जन की।